Damn. मैथ्स वाले सर दुबई गए हुए हैं, वहां शेखों की नजर पड़ गई है उनके ऊपर, तो उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें शेखों ने कहा कि आप तो इधर ही रुक जाओ। तो अभी वो मन बना रहे हैं कि वो दुबई में रुकेंगे कि इंडिया वापस आएंगे। मेरे को भी बोला है कि 2-3 तेल के कुएं जिस दिन हाथ आ गए उस दिन आप भी आ जाना, दोनों मिलके मोटर डाल के तेल निकाल लेंगे। तो लगता भी वैसे ही हूं, खप जाऊंगा शेखों में। तो चलो भैया सब आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों रे तो रश्मित क्या हुआ? तेरे से तो बात हो गई थी, तेरे से बात नहीं हुई थी मेरी। आ जाओ। तो अब मैथ्स स्टेट तो सबका पढ़ा ही हुआ है, नंबर भी अच्छे आ गए, पेपर भी सरल था, पढ़ाया भी मैंने ठीक ठाक ही था। लोग बोल रहे हैं मैथ्स ही अच्छा पढ़ाया, 100 में से 100 आ गए मैथ्स के कारण, पर स्टेट भी ठीक ठाक ही पढ़ाया था, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। अब इसमें अपने को कुछ करना है नहीं है ज्यादा। कौन है पास में उधर तेरे? अच्छा हाँ, कौन सी बेस थी अपनी? 5th। अच्छा ठीक है। अब इसमें सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसमें उन्होंने सैंपलिंग का एक टॉपिक ऐड किया है, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। सैंपलिंग में से तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पर जो है वो ऐड किया उसमें, मतलब सैंपलिंग डिटेल में नहीं है। बेसिक सैंपलिंग की मेथड्स क्या होती हैं, सैंपलिंग क्या होता है, 3-4 प्रकार की सैंपलिंग मेथड्स होती हैं, है ना, वो हमको पढ़ना उस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1 में। बाकी का सारा सिलेबस सेम टू सेम वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो कहां से शुरू करें? बताओ, पीछे बताओ भाई, नया चेहरा दिख रहा है मेरे को। नहीं तू नहीं, वो पीछे एकदम। पहले पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स? और बहुत अच्छे से आप सैंपलिंग, वो तो 15 मिनट का खत्म हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से शुरू करो, बाकी तो सब आग लगा दे। तो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया था मैंने, नहीं बना नहीं से मतलब नहीं है प्रिया, प्रोबेबिलिटी के तो बच्चे बता रहे हैं सरल ही क्वेश्चन आए थे, कोई ऐसे कठिन क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, लेकिन ठीक है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी से शुरू करें। बाकी के लोग क्या बोलते हैं? शाह साहब ठीक है, हो गया जो हो गया, वो पोज देने से क्या होएगा? अपने तो एग्जाम ही फेल हुए हैं, लोगों को तो उनकी लुगई छोड़ के चली जाती है 6-8 महीने बाद, तो भी वो बेचारे पोज नहीं देते जीवन में। तू तो ऐसा बिल्कुल 2 दिन से पोज दिए जा रहा है मेरे को। बताओ और कौन 102 वाले बैठे हैं? रश्मित तो तेरी टीम का है पूरी, अति इंटरव्यू तो अपन बात ही नहीं कर, उससे तो दोस्ती अब खत्म हुए ना कुट्टेस, जो इंटरव्यू बैठे वो काय के दोस्त, साले साथ में निभाया अपना, फेल होते तो मानते दोस्त थे, पास हो गए तो काय के दोस्त, भूतों ने निभाई है दोस्ती यहां पे। तेरा क्या हुआ, पास हो गई बाकी सब में? 200 आ गए फिर? 8 नंबर कम रह गए, और लॉ में भी कम रह गए।
लॉ वाले कितने हैं? सभी हैं लॉ वाले। और कोई ऐसा भी हो जो मैथ्स स्टेट में रुका हो? मैथ्स स्टेट में रुके वाले हैं। अच्छा, एलआर कैसा था? एलआर इजी था। और स्टेट तो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे भाई तेरे को? उससे पूछ रहा हूं मैं। चलो यार देखो, अभी कर लेना है ना। मामला अब थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जो 60 नंबर का सब्जेक्ट था वहां अपन 40 नहीं ला पा रहे थे, वहां बीसीआर का भी सपोर्ट था, है ना। बीसीआर में भी नंबर नहीं आए। बीसीआर में भी लॉ मिला के, बीसीआर मिला के 40 नंबर नहीं आए। तो अब जो है लॉ ही हो गया है पूरा, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा समय दो पर लिखने की प्रैक्टिस के लिए, और लॉ और अकाउंट में मेहनत ज्यादा करो। मैथ्स स्टेट का पेपर तो मैं पहले भी बोलता था सरल आएगा, अभी भी सरल ही आएगा, जैसा अभी आया है वैसे ही आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कठिन करने के लिए कुछ है नहीं है, तो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो सब्जेक्ट बड़े हो गए हैं, गुप्ता जी नमस्ते। गुप्ता जी, तो मैं सुनील खत्री यहाँ पढ़ाता हूँ, बैठिए। कुछ लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि यार कुछ समय अगर उस समय ज्यादा उधर न दिया होता और इधर दे देते, मस्ती में नहीं दिया होता, सर की टांग खींचने में नहीं दिया होता, तो सर से झूठ नहीं बोला होता तो फायदा मिल जाता। अभी कर लो, अभी 4 महीने बहुत होते हैं जीवन में। सबसे अच्छी बात है कि बहुत कुछ जैसे पड़ा हुआ है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है समय, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे टॉपिक हैं जो आप अभी भी बैठ के पढ़ सकते हो, और आपको डाउट आए तो आप मेरे से आके पूछ सकते हो। इंडेक्स नंबर में कोई दम नहीं है, इंडेक्स नंबर आपका पड़ा हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हो। आपके मुद्दे जो है वो आते हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वहां से शुरू कर देते हैं अगर सब बोले तो। नहीं तो फिर जहां से शुरू करना है सेंट्रल टेंडेंसी से, वहां से शुरू करते हैं। बोलो भाई, क्या बोलती है सारी क्लास? प्रोबेबिलिटी से शुरू करूं? बताइए, प्रोबेबिलिटी तो पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आएगा, ठीक है। सब डन ना? पक्का? कितने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं? चलो जरा तुम्हारी मैं देखूं याददाश्त क्या है। हाउ मैनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? 5 होते हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हाउ मैनी सिंपल एवरेजेस? सिंपल एवरेज कितने? 3। मीन, मीडियन और मोड? हाउ मेनी हायर ऑर्डर एवरेजेस? 2 होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को एवरेज ऑफ रेट्स एंड रेशो भी बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना। कौन कौन से एवरेज ऐसे हैं जो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं? विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। प्रोफेसर जूल की प्रॉपर्टी नंबर 3 को सेटिस्फाइड करते हैं। एक अच्छे एवरेज के लिए प्रोफेसर यूल ने कितनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी? 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी यूल साहब ने। जब एवरेज बने तो कई सारे एवरेज बने, कई सही लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए। मुद्दा ये निकला कि भाई कौन सा एवरेज सबसे अच्छा माना जाए, किसको यूज किया जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने क्राइटेरिया तय करा। उस क्राइटेरिया को उन्होंने नाम दिया प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज में 5 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। दूसरी प्रॉपर्टी इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन आसान हो, बहुत बेसिक बातें हैं यूल साहब ने जो बोली। तीसरी प्रॉपर्टी बोली गई कि बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यू पे बेस्ड हो। चौथी प्रॉपर्टी बोली गई सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी जगह पे कर सकें।
और पांचवी प्रॉपर्टी बोली गई की लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। अच्छा एवरेज हम उसको मानेंगे जिसके ऊपर सैंपलिंग के फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट कम पड़ता सब पे है, लेकिन जिस पे कम पड़ेगा उसको बेस्ट एवरेज माना जाएगा। तो सबसे कम इफेक्ट जो है वो मीन पे पड़ता है, तो मीन ऐसा इकलौता एवरेज है जो पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है और इसलिए जो है वो बेस्ट एवरेज की कैटेगरी में गिना जाता है। तो उसने फिर मीन की हमने देखा, पूरा सिलेबस पढ़ा तो हर जगह हमने मीन की बात करी, बोलो हाँ कि ना। रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 मीन, ये एक रिलेशन होता है मीन मीडियन और मोड के बीच में। और एक रिलेशन होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × h, हाँ कि ना। आप लोगों ने देखा होगा जो जो हाईलाइट करके पढ़ाया गया वही वही एग्जाम में आया, जो जो टेस्ट पेपर में आया वही वही एग्जाम में आया। तो यहाँ पर नया कुछ है ही नहीं, घूम फिर करके वापस वही की वही चीजें फिर आ जाएंगी, कुछ 2-5-10 क्वेश्चन नए आ जाएंगे, 2-5-10 पुराने आ जाएंगे, मिलकर के नया पेपर बन जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग जो है प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं, ठीक है, पक्का सबको। नए जो बच्चे बैठे हैं भाई, जहां मेरे एकेडमी के पुराने जो बच्चे हैं उनको छोड़ करके जो भी बैठे हैं वो एग्री हो तो अपन बात करें आगे। आप बताइए क्या नाम है, ईशा पूरा ऑनलाइन थी, और आप मिस्टी, और कौन है आप सिमरप्रीत, और गौरव, और राज विकास, और तो भाई आप 5-6 लोग 7 लोग जो भी आप एग्री हैं क्या प्रोबेबिलिटी से शुरू करूं मैं, बोलो हाँ कि ना। तू तो मिल ही लेना क्लास के बाद, है ना। तो कुछ नहीं, इसी खाने के बारे में बात करेंगे, मेरे को जो भी मिल रहा है मैंने किसी से रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं करी, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, और ना मैंने कोई चिल्ला चोट करी कि मैंने 100 में से 100 दिलवाए, ठीक है। जो आए आपकी मेहनत से आए, क्योंकि हमने तो पढ़ाया था, पढ़ा आपने था, जिसका जो आया तो उसकी मेहनत से आया, ठीक है। तो चलो प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। हेलो, क्लास के बाद लगूं 2 बजे, तो प्रोबेबिलिटी पहले तो शब्द आया चांस, चांस का तो होता अवसर, ठीक। चांस को फिर उन्होंने थोड़ा सा और सम्मानजनक नाम दे दिया संभावना, अवसर को बोल दिया गया संभावना, संभावना को बोल दिया गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेटा सबको पुराना सिलेबस भी पूरा करवाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन हाँ नीचे ठीक है ना। आप कब फ्री हो गए, 2 बजे, उसके बाद इधर होगी ना, तो 2 बजे मिलता हूं फिर। तो चांस आया अवसर संभावना, बोला जाता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की, इस पूरे विचारधारा की खोज करने वाले लोग सटोरिये थे, सट्टेबाज। वो अपनी भाषा में अपने काम में, सट्टा कोई आजकल नहीं, हमने महाभारत के काल से देखते आ रहे हैं ना, तो जब से दुनिया बनी जब से है, तो पहले लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसी बात करते थे कि यार भाई पानी गिरने के अवसर कितने हैं, तो 4/6 का अवसर है, यानी 10 अवसर अगर कुल हैं तो 4 में पानी गिरेगा और 6 में पानी नहीं गिरेगा। बेसिकली वो ऑड्स को यूज करते थे, इस 4:6 को हम बोलते हैं ऑड्स।
अगर बोला गया कि भारत और पाकिस्तान का मैच है और भारत के जीतने के अवसर 4:6 हैं, तो कुल अगर 10 चांस हैं, 10 अवसर बनते हैं, तो 10 में से 4 भारत को फेवर करते हैं और 6 भारत को फेवर नहीं करते हैं। तो जब भी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल को इस तरह से लिखा गया तो ये कहलाए ऑड्स। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऑड्स हैं, संभावना नहीं है, ये अवसर है कि 4 अवसर फेवर कर रहे हैं और 6 नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फेवर और टोटल कर दें तो संभावना निकल जाएगी, तो 4/10 कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि भारत के मैच जीतने की संभावना कितनी है, 4/10 है। मतलब 10 अवसर कुल हैं तो 4 में फेवर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली 6 में फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ऑड्स को इस तरह से लिख करके प्रोबेबिलिटी बना दी गई है। ऊपर हमने लिखा है ये उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स लिखे हैं, और नीचे जो हमने लिखा है वो हमने उस इवेंट्स के टोटल आउटकम्स लिखे हैं। तो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट अगर हम करने निकलेंगे तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, और इवेंट को फेवर करने वाले अगर अपन ऊपर रख देंगे, तो ये जो रेशियो निकलेगा ये प्रोबेबिलिटी के लिए आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको उस प्रयोग में, उस समस्या में, उस एक्सपेरिमेंट, उस ट्रायल में ये देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं और उसमें से इवेंट के फेवर में कितने हैं। बच्चों को कठिन क्यों लगता है, क्योंकि उनको ये दो ही चीजें निकालने में दिक्कत जाती है कि टोटल कैसे निकलेगा और फेवरेबल कैसे निकलेगा। तो एक जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें इनडायरेक्टली आपको हिंट दे दी जाती है कि आपके टोटल मामले कितने हैं और फेवर। जैसे उन्होंने बोला कि ताश की गड्डी से पत्ता निकाला, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पेक ऑफ कार्ड्स, एक लाइन लिखी है केवल, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी से टोटल केस ऑटोमेटिकली 52 हो गए, बिकॉज देर आर 52 कार्ड्स, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। उन्होंने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, तो स्पेड कार्ड 13 होते हैं तो फेवरेबल जो है वो 13 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो हो गई 13/52। बस जस्ट सिंपल सा मामला है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही, एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की। उन्होंने बोला 2 डाइस को एक साथ रोल किया, तो जैसे उन्होंने बोला कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर तो एन बराबर 36 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। अब उन्होंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट आएगा, तो 36 आउटकम में से 6 आउटकम ऐसे हैं जिसके अंदर हमको डबलेट मिलता है। डबलेट का मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर आना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/36 हो गई, ये संभावना है, चांस है। तो डबलेट आने के चांस 6/36 हैं, तो डबलेट ना आने के बचे हुए 30/36 हैं। मतलब 30 मामले ऐसे हैं जिसमें डबलेट नहीं है, 6 मामले ऐसे हैं जिसमें डबलेट है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल का जो ये रेशियो होता है यही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इस चैप्टर में पहले लेवल पे तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी सिंपल निकाली कैसे जाए, फेवरेबल अपॉन टोटल। फिर मामला आगे बढ़ता है कि सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम आगे जाके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे जब लेवल बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। प्रोबेबिलिटी को 4 लेवल में पढ़ा जा रहा है। एक सिंपल है, जैसे ए और बी 2 घटनाएं हुई तो पी ए और पी बी जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ए इंटरसेक्शन भी उन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। फिर ए ऑब्लिक बी उन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है जबकि मालूम है कि बी पहले हो चुकी है। और फिर उसके बाद इनकी एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी निकलती है जिसमें हम बेस थ्योरम लगाते हैं। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी तो हम फेवरेबल अपॉन टोटल करके निकाल लेंगे, सिंपल निकल जाएगी तो जॉइंट निकल जाएगी, सिंपल और जॉइंट निकल जाएगी तो कंडीशनल निकल जाएगी, और ये तीनों निकल जाएंगी तो रिवर्स निकल जाएगी। तो आगे जाकर के चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी निकाल लें, कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई होंगी, कुछ प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी पड़ेंगी, तो एक दूसरे के सहयोग से हम उसमें आगे से आगे जाकर के प्रोबेबिलिटी निकालते चले जाते हैं। तो उसके अंदर हमको एडिशन थ्योरम लगानी पड़ती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगानी पड़ती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है, तब जाकर के हम जो है उस प्रोबेबिलिटी को निकाल पाते हैं। तो शुरुआत तो अभी डेफिनेशन से करते हैं, लिख लेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। लिखो
रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबको पूरा पढ़ूंगा ठीक है। विधि अग्रवाल जी आप लेक्चर को नोट्स को भी साइड कर दो, आप तो बस 3 साढ़े 3 महीने मेरा मुंह देख लेना बस क्लास में ठीक है, और सुन लेना और घर बैठ के समझ लेना, आपका सब जो है अच्छा ही होगा भगवान की दुआ से, ऐसा दुनिया बोलती है मेरी बीवी को छोड़ के कि भैया अच्छा हो जाता है। तो नोट्स वोट सब एक तरफ, जैसा पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ते जाओ। अब की बार का टारगेट अगर किसी को 80 नहीं आए हो तो 80 का रख लेना मैथ्स स्टेट में, और जिनको 80 आए हैं वो 90 का रख लेना, और जिनको 90 आए वो 100 का रख लेना ठीक। दीपक सर देते हैं लैपटॉप वेपटॉप कुछ ज्यादा नंबर लाने पे, मैं तो ले लेता हूँ, दे दे भाई तेरे को नंबर है तू दे दे। तो सबका अपना अपना है, बाकी बस जैसा जैसा बातें आ रहा है पढ़ते जाओ, बाकी सब चीजें दिमाग से निकाल दो, समझ लो पहले ही अटेम्प्ट दे रहा है भूल जाओ पुराना है ना। जिनको रिजल्ट मालूम है उनको बोल दो कि ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनको बिल्कुल मत बताओ क्या हुआ, बोलो इंटर की पढ़ाई जोरदार चल रही है, इंटर के लिए जा रहे हैं, समझ में आई ना। के अलावा किसको मालूम दुनिया में, ये तो सोशल मीडिया आ गया तो इतने भी रिजल्ट मालूम पड़ जाते, नहीं तो पहले किसको क्या मालूम पड़ता। तो इसलिए जो है और पूरी ताकत लगाओ। रश्मित तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, बहुत दुखी दिख रहा है तू, पापा ने डांटा? कुछ भी नहीं बोलेंगे तेरे पापा तो यार, फिर ऐसे मूड खराब हो रहा है ठीक है। कोई नहीं, कुछ लोगों को अपने फेल होने का गम कम है और दूसरे का पास होने का दुख ज्यादा है, ऐसे भी है दुनिया में। तू बच्चे पढ़ लेना है ना, तू पास है ठीक। जो एग्रीगेट निकाल के बैठे हो लॉ में रुक गए वो पास है सब, लॉ का तो पेपर ही उठपटांग भेज दे। तो उस दिन ही मैं वहां महाराजा कॉलेज पहुंचा तो 2-4 से पूछा था, वो अपने 205 वाली लड़कियां थी ना, 304 वाली आगे बैठती हैं, जिसे पूछा रोना शुरू कर दिया उनने। तो वही मेरे को वही समझ में आ गया था कि रायता फैल गया है। एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी रैंडम, लिख लो जिनके पास लिखी हुई है डेफिनेशन, वो भी फिर से लिख लो, कॉपी नहीं बना लेना, क्वेश्चन चेंज हो जाते मेरे ठीक। थ्योरी जरूर वही रहेगी लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। यादव साहब लिखो, एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी रैंडम इफ इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes are known. An experiment is said to be random if its all possible outcomes are known, but we are not sure about the happening of any particular outcome. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमको मालूम है कि क्या है, तभी तो हम टोटल केस निकाल पाएंगे। अगर टोटल केस काउंटेबल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी निकालना संभव नहीं, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां जितने भी एक्सपेरिमेंट कंसीडर किए जाएंगे ऐसे कंसीडर किए जाएंगे जिनके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमको पहले से मालूम है, पर हम श्योर नहीं है कि कौन सा रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम, देन इट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी रैंडम इफ इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम।
एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं डाइस का, डाइस इज रोल्ड, एक उसका एग्जाम्पल। दूसरा, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स हैं और हम जानते हैं कि इनमें से कोई एक कार्ड हमारे हाथ में आने वाला है, कौन सा आएगा इसके बारे में हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती। रैंडमली, रैंडम को हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब हमें ये तो मालूम है कि ये घटित होगा, लेकिन क्या घटित होगा वो ईश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है। या का मतलब भगवान और इच्छिक मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार जो परिणाम आ गया वो रैंडम आउटकम कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ऐसा प्रयोग जो कुछ भी रिजल्ट हमको दे दे, लेकिन इनमें से ही कुछ देगा ये तय है। ठीक, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिख ली सबने। एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी रैंडम इफ इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम, देन इट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, कई हमें जो पढ़ना है उसमें चार पांच है, ताश की गड्डी है, सिक्के के एग्जाम्पल है, डाइस, कॉइन्स, कॉइन को टॉस करा, डाइस को थ्रो किया, बैग में से गेंद निकाली, तो यही सब क्वेश्चंस, इन पे हमारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमको लिखना है सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। एक गिलास लाएगा, एक गिलास लाएगा, बच्चे कुछ और समझ लेते हैं। हाँ, बोला नहीं मैंने, लेकिन मेरे को मालूम है आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। सर, अब सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभावित परिणामों की संख्या, सेट समुच्चय, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको अगर हमने सेट के रूप में लिख दिया तो वो कहलाएगा सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल नंबर वन, ए डाइस इज रोल्ड, देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स का अगर हमने सेट बना दिया तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा। इसके अंदर हम बोलेंगे कि देर आर 6 एलिमेंट इस सैंपल स्पेस में, चूंकि ये सेट के रूप में लिखा गया है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? तो 6 एलिमेंट, हर एलिमेंट अपने आप में एक इवेंट को शो कर रहा है। डाइस पे 1 आएगा तो 1 आने की इवेंट होगी, 2 आएगा तो 2 आने की इवेंट होगी, 3 आएगा तो 3 आने की इवेंट होगी। इस तरह से यहाँ पे 6 इवेंट हो रही है सैंपल स्पेस के अंदर। अगर हमने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टूगेदर, सैंपल स्पेस बन जाएगी हमारी हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। ठीक, 4 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 6 एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो
36 पॉसिबल आउटकम्स, नहीं दो कॉइन को करेंगे तो 4 बनेंगे, दो डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट वही लिए जा रहे हैं जिनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम काउंट कर सकते हैं, और ये कहलाता क्या है, दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल स्पेस को लेकर के मामला क्लियर। अब इसका कोई भी एलिमेंट अगर हमको मिल गया, इनमें से कोई भी रिजल्ट मिल गया, तो हम बोलेंगे उस रिजल्ट के मिलने की इवेंट हो गई। जैसे 6 नंबर आ गया डाइस को रोल किया तो इवेंट हो गई, ताश की हड्डी से पत्ता नहला किंग ऑफ स्पेड आ गया, काले पान का राजा निकल गया, तो काले पान राजा आने की घटना घट गई। हम ये भी बोल सकते हैं कि राजा आने की घटना घट गई, हम ये भी बोल सकते हैं कि काले पान का पत्ता आने की घटना घट गई। समझ में आ रहा है? तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। तो इवेंट क्या है, हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम्स। हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम, एनी पर्टिकुलर आउटकम ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट, हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आउटकम ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट के समस्त संभावित परिणामों की संख्या, ये नहीं, किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट के किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने को, किसी पर्टिकुलर परिणाम के घटित होने को घटना कहा जाता है, इज नोन एज इवेंट। और इसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपने से पूछी जाती है। तो टोटल केस कितने बन रहे हैं वो देखना रहता है, और उस इवेंट को फेवर कितने कर रहे हैं वो देखना रहता है। तो उन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इवेंट का मतलब यह हुआ कि किसी पर्टिकुलर आउटकम के होने को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इवेंट दो तरीके से होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड इवेंट। इवेंट का घटित होना दो तरीकों से देखा जाता है। तो अगला जो है वो है सिंपल इवेंट। एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल इफ इट कैन बी हैपन ओनली इन वन वे। एक इवेंट सरल इवेंट कहलाएगी, एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल If it can be happen only in one way, एक ही तरीके से अगर वो घटित होगी तो उसको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। यानी कि सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट शामिल होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि डाइस को रोल किया, ठीक है साहब, अब डाइस को रोल किया तो रिजल्ट क्या बने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमने बोला कि 6 नंबर आया तो सिर्फ 6 शामिल होगा, हमने बोला 4 नंबर आया तो सिर्फ 4 शामिल होगा, तो ये सिंपल इवेंट है। लेकिन हमने बोला कि इवन नंबर आया, इवन नंबर में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो अब ये सिंपल इवेंट नहीं है क्योंकि ये तीन तरीकों से घट रही है। 2 आने पे भी घटेगी, 4 आने पे भी घटेगी और 6 आने पे भी घटेगी। हमने 2 डाइस रोल किए और हमने बोला कि दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का टोटल 12 आएगा, तो दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का टोटल 12 एक ही तरीके से आ सकता है, जब दोनों पे क्या क्या आ जाए, 6 और 6 आ जाए तो एक ही तरीके से आएगा, तो टोटल 12 आ रहा, तो ये सिंपल इवेंट है। लेकिन हमने बोला कि दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का टोटल 8 आएगा, तो 8 हमको अब 5 तरीकों से मिल रहा है, 2 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, 3 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, इनमें से कोई भी रिजल्ट अगर आ जाएगा तो टोटल 8 आने की घटना घट जाएगी। तो दिस इज द सिंपल इवेंट एंड दिस इज द कंपाउंड इवेंट। समझ में आ रहा है क्या मामला? हमने बोला ताश की हड्डी से पत्ता निकाला और लाल पान की बेगम निकलेगी, क्वीन ऑफ हार्ट, तो वो एक ही है पूरी गड्डी में, तो सिंपल इवेंट है। लेकिन सिर्फ क्वीन निकलेगी तो फिर क्वीन 4 है तो कंपाउंड इवेंट है। या हमने बोला हार्ट पत्ता निकलेगा, लाल पान का निकलेगा तो वो 13 है, तो वो दोनों मिलकर के फिर कंपाउंड इवेंट हो जाती है। लेकिन सिर्फ लाल पान की रानी निकलना सिंपल इवेंट है।
समझ में आया? तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन लिख लो, लिख ली अपन ने। सिंपल स्पेस आ गया, सिंपल इवेंट लिखी कि नहीं लिखी अपन? एग्जाम्पल लिख लो उसका, सिंपल इवेंट का। एन इवेंट इज सेट टू बी सिंपल इफ इट कैन बी हैपन ओनली इन वन वे। एक घटना सरल घटना कहलाती है यदि वो केवल एक ही तरीके से घट सकती होगी तो। एग्जाम्पल, इफ ए डाइस इज रोल्ड, इफ ए डाइस इज रोल्ड देन गेटिंग नंबर 6 इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। नंबर 6 का आना सरल घटना कहलाएगी। इफ ए डाइस इज रोल्ड देन गेटिंग नंबर 6 इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। इफ टू डाइस आर रोल्ड टूगेदर, इफ टू डाइस आर रोल्ड टूगेदर देन गेटिंग नंबर 6 ऑन बोथ द डाइस इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। दोनों डाइस के ऊपर 6 नंबर का आना सरल घटना कहलाएगी। गेटिंग नंबर 6 ऑन बोथ द डाइस इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। ठीक, तो एक तरीके से घटे तो सरल है और एक से ज्यादा तरीके से घटे तो कंपाउंड इवेंट। तो अगली जो डेफिनेशन अपने को लिखनी है वो लिखनी है कंपाउंड इवेंट की। कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट इज सेट टू बी कंपाउंड इवेंट एन इवेंट इज सेट टू बी कंपाउंड इवेंट एन इवेंट इज सेट टू बी कंपाउंड इवेंट इफ इट कैन बी हैपन हैपन इन टू और मोर देन टू वेज। एक घटना संयुक्त घटना कहलाती है यदि वो दो या दो से ज्यादा तरीकों से घटित होगी तो। दो तरीकों से हुई तो भी और दो से ज्यादा तरीकों से हुई तो। एन इवेंट इज सेट टू बी कंपाउंड इवेंट इफ इट कैन बी हैपन इन टू और मोर देन टू वेज। एग्जाम्पल, अगर सिंगल डाइस का लेंगे, इफ ए डाइस इज रोल्ड देन गेटिंग अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। एक प्राइम नंबर का आना क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट। प्राइम नंबर कितने होते हैं डाइस के ऊपर? आराम से सोच विचार के, दो कि तीन? तीन। कौन कौन से? हाँ, 2, 3 और 5। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी। तो पांच, तीन तरीकों से घटना घट जाएगी। पांच आएगा तो बोलेंगे प्राइम नंबर आ गया, तीन आया तो बोलेंगे प्राइम नंबर आया। तो आप उस इवेंट को तीन तरीकों से होता हुआ देख सकते हैं। इफ टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, इफ टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर देन गेटिंग ए डबलेट इट्स कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। डबलेट, डबलेट क्या? सेम नंबर और बोथ दी डाइस, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर अगर आते हैं, 1, 1 आता है, 2, 2 आता है, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, तो हम बोलेंगे कि वो
कंपाउंड इवेंट है क्योंकि डबलेट है, 6 तारीखों से निकल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। सिंपल इवेंट क्या है, दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का टोटल 2 आ जाए, दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का टोटल 12 आ जाए, तो ये सिंपल है क्योंकि ये एक ही तरीके से घटने वाली घटना है। बाकी की इवेंट पर अगर अपन जाएंगे तो मैक्सिमम हमको यहाँ पे कंपाउंड इवेंट्स मिलेंगे। बोलो हाँ कि ना। दो या दो से ज्यादा तरीकों से घटती हुई मिलेंगी तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएंगे। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, 5 डेफिनेशन। पहले तो रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर इवेंट क्या होती है, फिर सिंपल इवेंट क्या होती है, फिर कंपाउंड इवेंट क्या होती है। 5 डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने को एग्जाम में आनी नहीं है, सिर्फ टर्म्स का मीनिंग समझना है कि बेसिकली इन सब के मायने क्या होते हैं। एग्जाम में वो एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये कौन सी इवेंट है, सिंपल इवेंट है कि कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, तो उस पर्पज से अपन ये लिख रहे हैं। ठीक है, आगे का कल पढ़ूंगा, कुछ बच्चे और आने वाले आ जाए सब तो आगे। एक रिजल्ट के आने के 2-3 दिन 4 दिन के अंदर से ज्यादातर जो फोन पे मेरी बात हुई या बच्चों से बात हुई तो बच्चों का ये कहना है कि सर सिर्फ लॉ का मैटर है, लॉ का मैटर है। तो ये ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमेशा बच्चों से एक घर आगे चलती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये दिखाएंगे लॉ का डर, बच्चा पूरी ताकत झोंक देगा लॉ में, और ये अगला 3 सब्जेक्ट में से भी कोई भी एक पेपर टप पटक पटक देंगे, कोई गारंटी। हालांकि पिछले कई अटेम्प्ट से लॉ में दिक्कत जा रही है, रिजल्ट यहाँ का नहीं, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे जो है लॉ के नाम पे अभी पुतला जला रहे हैं। लेकिन कब वो किस पे क्या मेहरबान हो जाए और कभी लॉ का पेपर सरल फेंक के अकाउंट्स का कर दें टफ, या अकाउंट्स और लॉ का सरल करके मैथ्स स्टेट का टफ कर दें, तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपने ऐसा माइंड सेट कर लिया कि यार अगर मेरे को अकाउंट में इस अटेम्प्ट में 80 आए थे तो अगले में भी 80 आ रहे हैं, अगर मेरे को मैथ्स स्टेट में 70 आए थे तो अगले में 70 ही आ रहे हैं, अगर मेरे को इको में 90 आए थे तो अगले में 90 ही आ रहे हैं। यहाँ भी फेर बदल हो सकता है, तो जहाँ आपने इन सब में कहीं कमी पेशी छोड़ी और सारी ताकत लगा दी किसमें, लॉ में, तो आपके इधर कहीं काम लग जाएंगे। इसलिए पूरा माइंड वॉश करके, पूरी तरीके से खत्म करके, पूरे नए सिरे से पूरी पढ़ाई करना जरूरी। प्लस पॉइंट ये है कि सिलेबस जब पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि यार पढ़ा हुआ है और ये सब चीजें हैं, और जो चीजें उस समय हमने समझने में गलती करी या हमको समझ में नहीं आई उस पर हम ज्यादा मेहनत कर लें, बाकी जो करा हुआ वो अच्छी बात है। आपके साथ जो फ्रेश कैंडिडेट एग्जाम देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उनमें और आप में आपकी बढ़त क्या है, आप एक बार पेपर को भी फेस कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न भी आपको मालूम है और आपने पूरा सिलेबस भी जितना भी पढ़ा है 60-70-80% जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपको पूरा एक बार देखा हुआ है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो मतलब आपको 0 से 100 नहीं करना है, आपको 80-100 करना है, उनको 0 से 100 करना है, तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन सारे सब्जेक्ट साथ में पकड़ के चलने पड़ेंगे, नहीं तो अगली बार फिर किसी और में चोट हो गई। इस बार आप असीम सर को घूरा घारी कर रहे हो सकता आप अगली बार मेरे को करो, हाँ कि ना। इस बार उनको धमकियां मिल रही हैं, हो सकता अगली बार मेरे घर के बाहर बम फूट जाए, इस बार उनकी सुपारियां जा रही हैं, अगली बार हो सकता मेरी सुपारी दे दे कोई, होता है ऐसा 2-4-5 बार हुआ है दी लोगों ने सुपारी, वो तो मारने आए थे मेरा मुंह देख के चले गए, इस बेचारे को रहने दो क्या मारना है, मासूमियत देख के ही लौट गए। तो ऐसी नौबत नहीं आए, तो ये एक डाउट है जो अभी नीचे भी बच्चों से जैसे जितनों से मिले तो सबका यही रहता है कि सर वो तो 198 तो आई गए हैं एक ही सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, अपने साथ कुछ भी कहीं भी होगा तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब चलो कल अभी मैंने प्रोबेबिलिटी शुरू कर दिया भैया, रेगुलर क्लास अटेंड करना, आराम से पढ़ूंगा 1.5-2 महीने तक यही पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन तो 20-20 खेल लेंगे ना, टेस्ट मैच इधर ही चलने दो, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अभी ये सब खत्म करके मैक्सिमम जो भी हो। चलो कल मुलाकात होती है, कल से मैथ्स भी लगेगा, आज क्लास नहीं बेटा मैथ्स की, बेटा वो तो मंगानी पड़ेंगे। अच्छा सुनो एक मिनट यार सब जने, है ना, आपको अपना कोर्स वहां से स्विच करना है ना, आपको आईसीआई को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और आपको अपना जो पुराना सिलेबस से आप नए पे शिफ्ट हो रहे हैं वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, और आपको नए नोट्स मंगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो प्रोसेस जैसी भी होती है ऑनलाइन हो जाएगी, आप उसको समझ लो और उसको कर लो, अपना उधर करवा लो। दूसरी बात, एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, लास्ट डेट 23 फरवरी है, तो एग्जाम फॉर्म भी याद से भरना है, ये नहीं कि एग्जाम फॉर्म ही भरना रह गया और हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम फॉर्म तो आप कभी भी भर सकते, हो गई ऑटोमेटिकली, हाँ बस ठीक है, हो जाएगा, अभी तो देंगे टाइम। बोल, इसको बोलना, बोल, हाँ से मुझे जाना, और इससे
नहीं सर सुपर हंड्रेड में था भोपाल सुपर हंड्रेड में था भोपाल में था अभी तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया सर अभी हैवी बेच में था मेरे नंबर 9425 सीनियर लोग को पढ़ा होगा रोहित यादव चालू है सर बट सीख जाए क्लेश आया वो थोड़े बच्चों की वजह से भी हो रहा था और पता नहीं गवर्नमेंट ने बंद कर दिया वहां से क्लेट कर दिया इसे फाउंडेशन निकाल लेते थे फिर उस इसलिए उन्होंने इसलिए क्लेट का करके वो कॉलेज मिल जाएगा हमको फायदा एक बच्चा निकला था इस बार नहीं क्लेट फर्स्ट आ रहा क्लेट का नहीं सर क्लेट का हो जाता था सुपर में पढ़ा तो इतना तो पढ़ाया आप हिंदी बोल रहे थे लास्ट तो वो देख रहे Thank you.
हाँ